कैसा हो अगर कोई कूड़ा उठाने ना आए, या क्या हो अगर सफाई कर्मी ना हो, क्योंकि आपने सोचा है जो हमें और हमारे राज्य को साफ रखते हैं अगर वो ही ना हो तो क्या होगा। हर तरफ कूड़े का ढेर और गंदगियों से होने वाली बीमारी का खतरा हमेशा हम पर मंडराता रहेगा, लेकिन जो लोग हमारे आसपास और राज्य को साफ करते हैं उनकी ज़िंदगी देखिए कैसी है। यह है छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले की वो जगह जहाँ कुछ ऐसे काम करने वाले ही रहते हैं जो लोग पूरे नगर को स्वच्छ रखने में सबसे ज़्यादा भागीदारी देते हैं। देखिए उन्हीं लोगों को यहाँ के चिरमिरी नगर निगम की लापरवाही के चलते नालियों का पानी पीना पड़ रहा है। आप खुद ही सुनिए यहाँ की लोगों की आप बीती। हम लोग के नाली है जिससे पाइप टूटा है और उसमें से गटर का पानी और कीड़ा आता है, उसी पानी से हम लोग खाना बनाना पड़ता है और नहाना पड़ता है। सर बीमार होते रहते हम लोगों ने जाके सवेरे ऑफिस में कंप्लेन भी दिया तो हम लोगों कंप्लेन कोई सुना नहीं जा रहा। वहाँ से आदमी आते हैं और आने के बाद देखते हैं और बोलते हैं बहुत बेरोजगार भरे हुए हैं, जबकि बेरोजगार कोई है नहीं, इसमें नौकरी पेशा वाले हैं। और हम लोगों ने जाके नगर निगम में भी कंप्लेन किया, WDC साहब को भी कंप्लेन की दी हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने भी आज तक हमारी शिकायत नहीं सुनी। दरअसल यहाँ नालियों के भीतर से होकर गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन कई जगह से खुल चुकी है या टूट चुकी है, जिसके चलते नाली का पानी भी पीने के पानी में मिल रहा है, लेकिन प्यास के आगे ना तो झूठा पानी दिखता है और ना ही गंदा पानी। यही वजह है कि यहाँ के लोग जैसे तैसे इस पानी को पीने को मजबूर हैं। वहीं बहरे नगर निगम के लोगों को इसकी शिकायतें सुनाई नहीं दे रही। वहीं अब मानव अधिकार सदस्य राकेश महंत इनके हक के लिए आवाज़ उठाने को उतर पड़े हैं। इसकी शिकायत भी लोगों ने जो है SECL के अधिकारी को भी किया है, नगर निगम में किया, लेकिन आज तक इनकी समस्या का जो है निराकरण जो है ना तो नगर निगम की तरफ से किया गया ना तो SECL की ओर से अधिकारी की तरफ से किया गया। लेकिन मेरा इस मामले में यह कहना है कि चूंकि यहाँ पे अधिकांश लोग जो सफाई कर्मचारी लोग निवास करते हैं, लोगों की साफ सफाई करते, लोगों को स्वच्छ वातावरण लोग देते हैं, और आज वही उनका परिवार जो है नाली का पानी पीने के लिए मजबूर है। एक प्रकार का जो है उनके साथ बहुत अमानवीय जो है दुर्व्यवहार हो रहा है शासन की तरफ से भी, SECL की तरफ से भी, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है, और तत्काल जो इस पर जो है प्रशासन को जो है संजीदगी दिखाना चाहिए। नेशन वन और राकेश महंत जब इन लोगों के साथ खड़े हुए और प्रशासन से सवाल किया तो देखिए कैसे यहाँ के महापौर नगर निगम कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की बात करते हुए इस तरह की समस्या को निपटाने का आश्वासन देते नजर आए। जब भी हमें वार्डों से इस तरह की शिकायतें आती हैं तो हम अपने अमले से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करते हैं। 28 में ये प्रॉब्लम है, पुनः ये प्रॉब्लम आ गई है। पिछले बार तो हम लोगों ने इसको कराया था, लेकिन अगर कहीं इस तरह की दिक्कतें हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने इंजीनियर को भेज के कल ही इस पूरे अव्यवस्था को ठीक करने की दिशा पे मेरा पहल रहेगा। नेशन वन उम्मीद करता है कि जल्द ही नगर निगम पाइपलाइनों का जायजा करके पाइप को ठीक करेंगे ताकि गंदे पीने के पानी से लोगों पर मंडरा रहे बीमारियों का खतरा टल सके। कोरिया से कृष्णा वस्त्रकार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।